जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा नाम रहेगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी अजय लल्लू जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी अजय लल्लू जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी संघर्ष करे हम तुम्हारे साथ हैं, कल्याणपुर से जो प्रतिज्ञा यात्रा निकली है आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में, वो इंदिरा गांधी की एकमात्र मूर्ति है जनपद में, आयरन लेडी की एकमात्र मूर्ति है कल्याणपुर में, यहीं से माल्यार्पण करके हाजीपुर होते हुए दर्जनों गांवों को टच करते हुए यह पदयात्रा पिलौर मोड़ बाजार में सभा करके समाप्त की जाएगी। इसमें तमाम हमारे नेता जिले से लेकर के प्रदेश स्तर के आदरणीय ओम प्रकाश ठाकुर जी, आदरणीय ब्रह्मानंद पांडे जी, आदरणीय इंतखाब आलम जी जिला अध्यक्ष और तमाम नेता इसमें आए हुए हैं और पर्यवेक्षक भी आए हुए हैं देखने के लिए। यह दमखम की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की। अब हम कांग्रेस के लोग निकल चुके हैं सड़कों पर लोगों के महंगाई के मुद्दे को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहेंगे, और जब तक हम लोग अपने नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार नहीं बना लेंगे, हम कांग्रेस के लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जय हिंद। ये प्रतिज्ञा यात्रा जो आपने बताया, किस तरह की, कौन सी प्रतिज्ञा आपने लिया है, ये प्रतिज्ञा कैसी आपने लिया है, किस तरह की प्रतिज्ञा है? हम लोग महंगाई के खिलाफ प्रतिज्ञा लिए हैं। हमारे नेता ने प्रतिज्ञा लिया है कि हम महिलाओं को 40% टिकट का आरक्षण देंगे, छात्राओं को स्मार्ट स्कूटी देंगे और किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। 10 लाख तक का जो उनका जो है जो मूल इलाज होता था, जो 5 लाख तक का मिलता था, उसे 10 लाख तक बढ़ा करके किया गया है। और कोरोना समय का जितने बिजली बिल बाकी होंगे वो पूरा बिजली बिल समाप्त कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो। और इसी तरह से आंगनबाड़ी जो हमारी बहने हैं आंगनबाड़ी में, उनका मानदेय कम मिलता है, उसको बढ़ा करके हम लोग 10,000 करने जा रहे हैं अगर हमारी सरकार बनी हमारी नेता के नेतृत्व में तो। ये तो आप खुद जानते हैं, आप हमारे मित्र हैं, ये जानते हैं, आपने कवरेज भी किया है मेरे चुनाव में, पिछले जो चुनाव में लड़ा था घोसी से, हमारे नेता ने हमारे पर विश्वास किया था, आपने बखूबी कवरेज किया था, देखे होंगे मेरे संघर्ष को, और वह संघर्ष लगातार 3 सालों से रुका नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब्बास अंसारी, अच्छा किसी के भी नाम लेते हैं आप, वो लोग कहाँ रहते हैं जब जनता के सुख दुख की बात होती है, उनके घर मरण जीवन का काम होता है, उनके थाने डखाने की बात होती है, तब कहाँ रहते हैं? जाति धर्म के नाम पर अगर लूटना चाहते हैं घोसी को तो ये नहीं होने देंगे। अब हम जनता के बीच में हैं, जनता की आम जमीन भूत जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसके के लिए हम कांग्रेस के लोग डेली थाने से डखाने जिला कार्यालय तक लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ठीक है, उनके पिता जो है मुख्तार अंसारी 25 सालों से विधायक है सदर विधानसभा से, वहीं अभी अब्बास अंसारी भी जब लड़े थे घोसी विधानसभा में काफी मजबूती से लड़े थे, चुनौतीपूर्ण नहीं होगा क्या ऐसे में आपके लिए अगर उनको टिकट मिल जाता है? देखिए, अब पूरी मऊ की जनता से आप पूछ लीजिए, जिस तरह से त्रासदी झेल रही है मऊ की जनता, आदरणीय विधायक जी लगातार जब से जनप्रतिनिधि बने हैं मऊ के जेल के अंदर हैं, न किसी के सुख दुख के भागी हो सकते हैं, न किसी निर्माण विकास में भागी हो सकते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि का बनाना कि बिना जनप्रतिनिधि का रहा जाए, जनता अब ये सोच रही है। अब्बास अंसारी तो जेल से बाहर है, लेकिन बाहर हैं, लेकिन उनको भी प्रशासन खोज रहा है। हाँ, घर नहीं है, आप पता कर लीजिएगा, घर नहीं है, घर छोड़ करके फरार है उनका पूरा परिवार। हाँ, पिता की वजह से सब पूरे परिवार, हमारे पर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि व्यक्ति हैं हम, और निश्चित रूप से जनता की सारी सुविधाओं में रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे, और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस 2022 के चुनाव में परिवर्तन करने जा रही है। राजमंगल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद।